खबर है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद क्षेत्र के दोहाई मेट्रो स्टेशन के नज़दीक से, जहां कांवड़ियों के क्षेत्र में घुसी बुलेरो कार के बाद गुस्साए कांवड़ियों ने अपना आपा खो दिया और बुलेरो कार को पूरी तरह तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया। मामले में पुलिस अधिकारी द्वारा बताया कि क्षतिग्रस्त बुलेरो कार हाइडल विजिलेंस की है, जिसे कार चालक कांवड़ियों की लाइन के बीचों बीच लेकर घुस गया, जिसमें गुस्साए कांवड़ियों ने बुलेरो कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। आगे मामले में पुलिस के द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 29 जुलाई को थाना क्षेत्र मधुबन बापूधाम के अंतर्गत दुहाई मेट्रो स्टेशन के पास सुबह करीब 10:15 बजे एक गाड़ी के द्वारा एक कांवड़ियों को टक्कर लगने का प्रकरण संज्ञान में आया, जिसमें आक्रोशित होकर कांवड़ियों के एक समूह के द्वारा गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी गई। उक्त सूचना पर तत्काल ही थाना पुलिस द्वारा पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर वापस भेजा गया। उक्त घटना की जाँच में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि यह बोलेरो गाड़ी अवनीश त्यागी नामक चालक चला रहा था तथा इसके द्वारा अनाधिकृत रूप से कांवड़ियों हेतु आरक्षित लेन में प्रवेश कर लिया गया, जिसके कारण यह दुर्घटना कारित हुई। ड्राइवर तथा गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया है। यह अवनीश त्यागी हाइडल विजिलेंस के लिए चलाता है। इससे पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। उक्त प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।